इस उम्र तक मुझे मेरे बच्चों को स्टेज पे नाचते देखना था, तो HB9 स्पेक्ट्रम ब्रॉट टू यू बाय PhD स्कॉलर्स ऑफ द कैप। कहां है PhD वाले, कहां है एक्सटेंशन वाले, कहां है देश के भविष्य? अंधेरे में है लगता है। फिलहाल मैं एक्सटेंशन में हूँ। एक्सटेंशन वालों की हालत जो होती है ना, रेस्टोरेंट के वेटर्स की तरह होती है। जो भी आता है देख के पूछ लेता है, और भाई कितना टाइम लगेगा, कब हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। लेकिन कैसे समझाऊं इन लोगों को कि 5.5-6 साल के रिसर्च के बाद अंदर चूल्हे में आग ठंडी पड़ चुकी है। अभी मैं पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि जॉब नहीं है। देखिए पोस्टों जो होता है ना, अरेंज मैरिज की तरह होता है। जब जॉब नहीं मिलती है तो पोस्टों की आखिरी उम्मीद है, जब प्यार नहीं मिलता है तो अरेंज मैरिज की आखिरी उम्मीद है। पोस्टडॉक के लिए 300 एप्लीकेशन भेज दिए हैं मैंने, हर बार एक ही टाइप का रिप्लाई आ जाता है रिजेक्शन के साथ, सॉरी इस बार आप चुने नहीं गए। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आप कोशिश करते रहिए। कैन यू इमेजिन द डिसरेस्पेक्ट? इमेजिन कीजिए, आपने कि आपने क्रश को जाकर प्रपोज किया और क्रश ने जवाब में आपको बोल दिया, इस बार मैं तुम्हें नहीं चुन रहा हूं। लेकिन तुम कोशिश करते रहे ना, क्या पता अगले बार मैं तुम्हें चुन लूं। इन्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज आई एम ए PhD स्कॉलर मेरे में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। अभी हाल ही में मैंने सिनॉप्सिस दिया है, जिन लोगों को पता नहीं है सिनॉप्सिस के लिए, आप मतलब सिनॉप्सिस में क्या होता है ना, आप अपने 5-5.5 साल में जो काम किए हो, छोटे 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 काम, आप उसको अरेंज करते हो ताकि एक फ्लो बन जाए, एक स्टोरी बन जाए, पूरे 5 साल का एक सेंस बन जाए। मैंने भी किया, फिर मुझे पता चला कि पोस्टडॉक क्यों नहीं मिल रही है। दूसरी जो सवाल बहुत ही चुभती है वो है, अरे शादी क्यों नहीं कर रहे हो, कब कर रहे हो शादी? ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैंने अकाउंट बनाई थी शादी.com पे, मैच भी आया था गलती से। वो लड़की के पिताजी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बेटा अगर जॉब वॉब नहीं है तो तुम टेंशन ना लो, ये देर सवेर सबकी जॉब लग जाती है। मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं कि मैं जॉबलेस हूं, मैं अभी PhD कर रहा। हेलो 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 हाँ अंकल, कम से कम जॉबलेस लोग खजाने तो बन सकते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन में था तो मेरा एक दोस्त थे चिंटू, चिंटू मुझे बोलता है ब्रो ये वाली लिक्विड पी ले मजा आ जाएगा। काला रंग का था कुछ, मैंने कहा क्या है ये? उसने कहा ब्लैक टी। मैंने कहा ओके ठीक है, ठंडा ठंडा था, नींबू भी नहीं था, बोला कि कुछ नींबू काटता वाटता कुछ, इसलिए नींबू नहीं है। तो जैसे ही मैंने पिया तो मेरा मन हल्का हल्का होने लगा, बॉडी में गर्मी बढ़ने लगी, शरीर से ऐसे मानो बोझ निकलने लगा। फिर मेरा दोस्त चिंटू बोलता है कपड़े अपने रूम में जाके उतार लो अगर गर्मी लग रही है तो। मैं बहुत इमोशनल हो चुका था, मुझे घर जाना था, तो मैं जैसे ही रूम पहुंचा मैंने कॉल लगाया पापा को, मैंने कहा अब और नहीं रुका जाता,
मैं अभी घर आ रहा हूं। वहां से आवाज आती है, बेशरम खबरदार अगर मेरे बेटी के आसपास कहीं दिख गया तो। रॉन्ग नंबर लग गया, बाबा के जगह बेबी को कॉल लग गया। मतलब डांटते डांटते उन्होंने ये तक कह दिया, तुम जैसे आवारा लोगों के वजह से लड़कियां सेफ फील नहीं करती। मैं बोला, एक्सक्यूज मी सर, मैं आवारा नहीं हूं, आई एम ए पीएचडी स्कॉलर। वो हंसने लगे, ब्लैक टी पी रखी है क्या? एक ही बात है दोनों, ब्लैक टी पीकर ऐसी गलत फहमी हो जाती है। ऐसी एक गलत फहमी मेरे दोस्त चिंटू को भी हुई थी। चिंटू बोलता था कि ये लड़कियों को हमेशा क्यूट लड़के ही पसंद है, उनको क्यूटनेस ही पसंद आती है, हम लोग पसंद ही नहीं आते, लड़कियां कभी भी पर्सनैलिटी नहीं देखती हैं। चिंटू को लगता था उसमें बहुत पर्सनैलिटी है। मैंने कहा चिंटू से उसका दिल रखने के लिए, देख भाई, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि चिंटू एक बार ऐसे देख लिया किसी लड़की को, गिलहरी को अखरोट खिलाते हुए, तो उसी टाइम पे उसको लग गया था कि देख वो देखो क्यूटनेस पसंद है, इसलिए वो क्यूट गिलहरी के पीछे जा रही है। मैं बोला गिलहरी क्यूट है क्योंकि वो अखरोट खाता है, तुम मेस का खाना खाते हो। जो मेस के वो तेल मसाले वाले अतरंगी सब्जी खाओगे तो कहां से क्यूट लगोगे? इमेजिन करो तुम एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट देने जा रहे हो, हे यू आर रियल इन द ब्यूटीफुल, इसी तरह दुखी है। एनीवेज अभी क्या हुआ ना, तो चिंटू खुद को बोलता है, चिंटू को मतलब चिंटू एक लॉजिकल लड़का है, एटलीस्ट वो खुद को तो लॉजिकल बोलता है। तो एक बार क्या हुआ, उसका कहना था कि हम लड़के ही जाके क्यों लड़कियों से बात करें, लड़कियों को भी हमारे पास आना चाहिए बात करने के लिए। ये बात वो खुद लड़कियों के पास जाके बोलता था। तो क्या हुआ कि एक रात हमने देखा कि ब्लैक टी पार्टी करते हैं, अरिजीत सिंह का गाना लगाते हैं, और लैपटॉप खोला मैंने उसका, और मैंने उसका अमेज़न ऑर्डर देखा, योर ऑर्डर ऑफ वन पैकेट ऑफ अखरोट हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। इस लॉजिकल लड़के ने सच में अखरोट खरीद लिया था। मैंने कहा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। तीस दिन हो गए उसने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि 30 दिन तक हॉस्टल में नेट नहीं चल रहा था। पर चिंटू के अखरोट काम कर गए। एक यूजर लड़की आई थी, भाई का उससे बात हो गया। हमने कहा भाई बात आगे बढ़ेगी, डेट वेट के लिए पूछेगा, पर वो आई, 5 दिन हो गए वो चली गई। मैंने कहा चिंटू से, भाई टाइम पे तुम्हें उसे डेट के लिए पूछ लेना था। चिंटू बोलता है, टाइम पे मेरा स्टाइपेंड भी आ जाना चाहिए था।
इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा आई एम ए पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम परमाणु विभाग, उनको पीएचडी सुनाई नहीं दिया, उन्हें लगा मैं कोई टॉप साइंटिस्ट हूं, बहुत ही स्मार्ट। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से लकीली वहां पे एक लड़की से बात हो गई, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे काफी। बताता हूं, वो मुझे चाहती थी क्योंकि उसे लगता था शायद मैं बहुत स्मार्ट हूं, परमाणु विभाग। हाँ, वो एक बॉम्ब बनाता था। और मैं उसे पसंद करता था क्योंकि वो लड़की है। हम दोनों में बहुत चीजें कॉमन थी। जो सबसे बड़ी बात कॉमन थी कि हम दोनों को ही बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता था। उसे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस थी। मुझे बाहर खाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि एक्सटेंशन में मेरे पैसे खत्म हो चुके थे। पर एक दिन सब खत्म हो गया। उसको पता चल गया पीएचडी क्या होता है। उसके पिताजी ने कहा, तू इसके साथ सेटल होने के सपने देख रही है या पीएचडी में खुद अपना सेटलमेंट नहीं ढूंढ पा रहा है। उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया, फोन से ब्लॉक किया, व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, फेसबुक से ब्लॉक किया, इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया, लिंक्डइन से ब्लॉक किया, यहां तक फोन पे से भी ब्लॉक कर दिया। मैं कहता हूं इतना बुरा तो कैट का फायरवॉल भी वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं करता। पिछले ही वैलेंटाइन डे में उसका कॉल आया था। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूं, तुम बहुत क्यूट लगते थे मुझे। मैंने कहा, मेरे अखरोट तो अब तक ऑर्डर नहीं हुए हैं, इसको मैं कहां क्यूट लगने लगा, लगता है ब्लैक टी पी रखी है लड़के। पर फिर मुझे होश आया, मैंने देखा मेरे सामने एक और पोस्टडॉक रिजेक्शन था और हाथ में एक बोतल ब्लैक टी। फिर मुझे रियलाइज हुआ ब्लैक टी पीकर गलतफहमी हो जाती है। थैंक यू।